देवभूमि उत्तराखंड के युवा देश के लिए अपना बलिदान देते आ रहे हैं। वो लगातार बॉर्डर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं ताकि हम सुरक्षित रहें। फिर उत्तराखंड का एक और लाल शहीद हो गया है। जी हाँ, समूचे उत्तराखंड के लिए फिर ये दुखद खबर सामने आई है। असम के मणिपुर में एक सैन्य अभियान के दौरान उत्तराखंड की टिहरी जनपद स्थित देवप्रयाग निवासी असम राइफल्स का एक और जवान शहीद हो गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक टिहरी जिले के देवप्रयाग निवासी हजारी सिंह चौहान इन दिनों असम के मणिपुर में एक विशेष अभियान के तहत ड्यूटी पर थे, जहाँ पर एक सैन्य अभियान के दौरान वो शहीद हो गए। उनके शहीद होने की खबर उनके परिजनों तक पहुंची तो उनका हाल बेहाल हो गया। हर किसी का रो रो कर बुरा हाल है। सेना के विशेष वाहन के द्वारा तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव देह ऋषिकेश स्थित उनके घर पर सैन्य सम्मान के साथ पहुंचाया गया। आपको बता दें, शहीद का पार्थिव शरीर देर से पहुंचने के कारण अंतिम संस्कार आज मंगलवार को हुआ। शहीद को अंतिम विदाई देने सीएम पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी ने भी शहीद जवान हजारी सिंह चौहान के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, असम में माँ भारती की रक्षा करते हुए टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग निवासी हजारी सिंह जी के शहीद होने का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को शीर्ष चरणों में स्थान एवं शोक संबद्ध परिवार को यह असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। विनम्र श्रद्धांजलि। आपको बता दें, उत्तराखंड को हसीन वादियों के साथ साथ सैन्य बाहुल्य राज्य के नाम से भी जाना जाता है। यही कारण है कि राज्य के हर घर से युवा देश सेवा में जुटा हुआ है और देश की आन बान और शान के लिए प्राणों की आहुति देता है। कठुआ आतंकी हमले में देवभूमि के 5 लाल शहीद हुए, जिससे पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। इसके बाद न जाने कई और जवान अपनी आहुति दे चुके हैं। अब आज फिर एक और लाल ने अपनी मातृभूमि पर प्राण न्योछावर कर दी और बलिदान हो गए।